सरकार ने सुनी द जेसी शो की आवाज, देश के करोड़ों दर्शकों की आवाज सुन सरकार ने दी राहत। द जेसी शो में बनी थी दो टुकराए, पुराना इंडेक्सेशन खत्म करने का फैसला नहीं था एक लोकप्रिय फैसला। सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए पुनर्विचार, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहल करके इंडेक्सेशन में किए बड़े बदलाव। करदाताओं को दिए दोनों विकल्प, पहला वो नई योजना के तहत 12.5% के कम टैक्स स्लैब को अपना सकेंगे, इसमें इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा वो पुरानी योजना के तहत इंडेक्सेशन के फायदे के साथ 20% के टैक्स स्लैब को अपना सकेंगे, जिसमें उन्हें कम टैक्स देना पड़े। आइए आपको दिखाते हैं 26 जुलाई 2024 का द जेसी शो का वो वीडियो। सर, इस बजट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन पर जो टैक्सेशन स्लैब्स बनाए गए हैं उसे कैसे देख रहे हैं? ये थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको जो है। तो एक तो शेयर मार्केट है इसमें, एक प्रॉपर्टी मार्केट है इसमें। शेयर मार्केट में तो क्या है कि जेटली जी के आने से पहले 2018 से पहले जो लॉन्ग टर्म है वो जीरो टैक्स था, शॉर्ट टर्म पे 10% था। उसके आगे बढ़े तो शॉर्ट टर्म पे जो 15% हो गया वो 10% रहा। फिर आगे बढ़े तो शॉर्ट टर्म पे 20% हो गया जो है, और फिर इस पे जो है 12.5% हो गया लॉन्ग टर्म पे जो है। ये तो स्ट्रक्चर वहाँ का है जितना मैं समझता हूँ, ठीक है। अब आप आ जाइए इधर प्रॉपर्टी की तरफ जो है, तो प्रॉपर्टी पर क्या है कि पहले 20% था और अब वो हो गया 12.5% लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो खुश होना चाहिए लोगों को, लेकिन देश खुश नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले छोटे छोटे मकान के मालिक, बेचने वाले, ये लोग खुश नहीं हैं। कारण क्या है? जो एक होता था इंडेक्साइजेशन होता था, एक इंडेक्स बनता था इसी साल का, उसके हिसाब से रिबेट मिलती थी टैक्स में, वो उन्होंने वापस ले लिया है, उसका बेनिफिट वापस ले लिया है। और ये कहा कि आपको एक साथ हमने 7.5% का रिबेट दे दिया, इसी में काम चलाओ। तो सारा देश आज मतलब बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग रोज़ कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं कि मैं मकान बेचूंगा तो मकान मेरा कितने में बिकेगा, और अगर इस व्यवस्था में कितने पैसे आएंगे, और अगर इंडेक्स वाला सिस्टम पुराना होता तो कितने पैसे मेरे को मिलते। तो राष्ट्र कई दिन तक अभी है ना 2-4-5 करोड़ तो निश्चित तौर पर इसी में उलझे रहेंगे कैलकुलेशन में कि इंडेक्स के फ़ायदा है कि नुकसान है। वित्त मंत्री कहती हैं कि नहीं, फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। कुछ एक लोगों को नुकसान हो सकता है, बाकी 90% लोगों को इसमें फ़ायदा है। लेट्स सी द टाइम विल टेल। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इट इज़ नॉट ए पॉपुलर स्टेप, इट वॉज नॉट ए पॉपुलर स्टेप। एक बैठे बैठाए अनकॉल्ड फॉर एक छोटी सी बात को लेके कितना फर्क पड़ने वाला है इससे, इंडेक्स को हटाने से। और आपने छेड़ा क्यों उसको, रहने देते 20% उसको, ऐसा प्रयोग कर रहे हो 12.5 पे ले भी आए जिसे कहते हैं, और वहाँ भी कोई उसका यश नहीं मिला। तो बाकी तो क्या है, वी मे एग्री डिसएग्री, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये इट वॉज नॉट ए पॉपुलर मूव।